कल अपन ने जॉर्डन मेथड कर लिया था, और जॉर्डन मेथड जो है, मैंने बोला था जॉर्डन मेथड और गॉस सेडल मेथड दोनों बिल्कुल सेम है, विद द सेम फॉर्मूला, सिर्फ वैल्यूज रखने का डिफरेंस है, अलग अलग तरीके से वैल्यूज रखी जाती है उसमें। तो जॉर्डन तो हो ही गया है, अब आते हैं गॉस सेडल मेथड पे। उससे पहले आप ये बताओ, क्या जॉर्डन मेथड में किसी को कोई तकलीफ है क्या, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आया हो जॉर्डन मेथड? बताओ जॉर्डन मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो पहले अपन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लियर, तो अपन अब गॉस सेडल मेथड पे चलते हैं। तो गॉस सेडल मेथड क्या होता है उसको समझें, गॉस सेडल मेथड क्या होता है उसको समझें। बिल्कुल वही है जो जॉर्डन मेथड है, गॉस सेडल मेथड कुछ अलग नहीं है। दोनों को शेयर कर लेते हैं, जो फॉर्मूला कल था वही फॉर्मूला आज है। तो आज आप हेडिंग लगाएंगे गॉस सेडल मेथड। गॉस सेडल मेथड ये देखिए, इसके मतलब क्वेश्चन तो बाकी सब सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, कोई अलग नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको डायरेक्ट, वही एग्जांपल जो कर लिया ही। तो ये हो जाएगा 2x + y + z = 10, 3x + 2y + 3z = 18, और x + 4y + 9z = 16। अब ये गॉस मेथड है सेडल का, मतलब गॉस सेडल मेथड जो है, ये किस तरीके से वैल्यूज में इसमें चेंजेस होते हैं वो आप समझेंगे। तो बहुत ध्यान से समझने में पता पड़ा कि कुछ जो वैल्यूज हैं A1 वो 2 है, B1, C1 और D1, ऐसे ही A2 B2 C2 और D2, A3 B3 C3 और D3। कुछ नहीं, थ्री अप्रोक्सीमेशन निकालने के बाद जो एक्स का एक्स वाई जेड के आंसर थे वही आपको फाइनल आंसर थे, कुछ नहीं करना था एक्स्ट्रा। ठीक है, ये वैल्यू निकाल ली। अब देखो जो फॉर्मूला गॉस, वो जो फॉर्मूला जैकोबी में था वही फॉर्मूला गॉस सेडल में, अलग नहीं है कुछ भी, मैं वापस बता रहा हूँ अलग नहीं है। तो गॉस सेडल का जो एक्स का फॉर्मूला है वो क्या है, जो जैकोबी का था, जैकोबी में क्या था, x1 तो xn + 1 = 1/d। नॉट डी वन, 1/a1 d1 - b1y - c1z, yn + 1 1/b2 d2 - a2x - c2z, ऐसे ही zn + 1 = 1/c3 d3 - a3x - b3y। ये लीजिए, तो ये एक्स वाई और जेड का वो फॉर्मूला है जो कल हम लोगों ने पढ़ा था जैकोबीज में, और आज इसको पढ़ रहे हैं गॉस सेडल में। सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यू, सेम क्वेश्चन, कुछ चेंज अभी तक तो नहीं किया। अब जो चेंजेस आने वाले हैं वो आने वाले हैं सिर्फ इसके सॉल्व करने के पैटर्न में, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जो सॉल्यूशन है बस ये इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने निकाला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन,
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में एक्स जीरो भी जीरो हो जाएगा, वाई जीरो भी जीरो हो जाएगा, जेड जीरो भी जीरो हो जाएगा और एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये सब फॉर्मूला कल वाले हैं, मैंने किसी भी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं किया है, किसी भी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं किया। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तक की स्टार्टिंग सेम है, यहां तक सब सेम है, कोई चेंज नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं। अब मैंने x की वैल्यू निकाली, बहुत ध्यान से समझना, तो ये हो जाएगा x 0 plus 1 is equivalent x 0 plus 1 is equal, क्या हो गया 1 upon a1, a1 की वैल्यू 2, d1 वैल्यू 10 minus b1 वैल्यू 1 इंटू एन की वैल्यू जीरो, तो वाई जीरो मतलब जीरो माइनस सी वन और जेड जीरो की वैल्यू जीरो, तो रिजल्ट क्या आया 10/2 मतलब 5। तो कुल मिला के एक्स वन की वैल्यू आ गई 5, एक्स वन की वैल्यू आ गई 5। अभी तक जैकोबीज और सेटल दोनों सेम है, अभी तक भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया, डिफरेंस आएगा अब इस वाले स्टेप से, अब डिफरेंस आने लग जाएगा बस, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। ये जो स्टेप पे समझा रहा हूं यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जैकोबीज और गॉस सेडल में डिफरेंस है। अभी तक गॉस सेडल और जैकोबीज में अभी तक तो एक भी चीज का डिफरेंस नहीं दिखा, अब डिफरेंस आप देखोगे कि जैसे ही मैं वाई निकालने जा रहा हूं, वाई जीरो प्लस वन, वन अपॉन बी टू, बी टू की वैल्यू टू, डी टू, डी टू की वैल्यू 18 माइनस ए टू, ए टू मतलब 3। अब मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई है एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन और एन की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है और 0 पे एक्स 0 पे क्या वैल्यू हो जाएगी 0। तो जॉर्डन मेथड में यहां पे 3 मल्टीप्लाई क्या रखा गया था 0, लेकिन गॉस सेटल मेथड में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जो नहीं आई है वो रखेंगे, मतलब जो वैल्यूज नहीं आती जा रही है हम उन्हें काम में ले लेंगे और जो वैल्यू नहीं नहीं आई है उनके लिए पुरानी वैल्यू काम में। तो क्या बोला मैंने, ऊपर तो मैंने काम में ली 0 0, अभी मैं एक्स काम में लेने जा रहा हूं, तो एक्स की दोनों में से सबसे नई वैल्यू कौन सी है, ये वाली 5। तो अब अपन यहां पे एक्स 0 मतलब 0 नहीं रखेंगे, 5 रखेंगे, माइनस सी 2 3 जेड, जेड की कोई वैल्यू आई भी नहीं, वो एक ही वैल्यू तो 0। तो रिजल्ट हो जाएगा 18 माइनस 15, 5 से 15, 18 माइनस 15 जो होता है वो 3/2, 1.5। सो द वाई वन इज नथिंग बट 1.5, ये वाई आ गया, क्लियर। अब ऐसे ही अब जब जेड निकालेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में, जेड 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी 3, तो सी 3 जो आ रहा है वो है 9 और D3 क्या है 16 माइनस A3 XN, तो X तो नया वाला आएगा वो क्या है 5 माइनस B3 4 और YN, तो Y भी नया वाला आ जाएगा, नया वाला पुराना 0 है नया 1.5, तो क्या आ जाएगा 1.5। तो अब ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 5 माइनस का 15 हो जाएगा 60, डेसिमल हटेगा 6, तो जो है 6 5 11, तो जेड वन क्या आ जाएगा 16 माइनस 11 5/9 आपका जेड वन। तो अब जब मैं यहाँ पे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए काम करूंगा, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू तो 5 होगी, y1 की वैल्यू 1.5 और z1 की वैल्यू 5/9, n की वैल्यू 1। और अब आप अपना काम करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालें या आंसर ऐसे ही थर्ड निकालें। ये x0 क्या है कि एक्चुअल में जो नई वैल्यू आती है ना हम उसको काम में ले लेते हैं, पुरानी वैल्यू को भूल जाते हैं, गॉस सेडल में इतना से डिफरेंस है। यस मिस्टर लव कुमार, अनम्यूट करो सर,
नई वैल्यू की रख रहे हैं एक्स एन, तो मतलब एक्स जीरो की वैल्यू फॉर्मूला रख यही बोलता है। तो फिर सर अगर हम पहले एक्स निकालते हैं फिर वाई निकालते हैं फिर जेड निकालते हैं तब तो वैल्यू अलग ये आएगी। अभी सीक्वेंस अगर है, पहले नहीं, अगर क्रम चेंज कर दिया इसका, पहले जेड नहीं निकाल मैं लिया वही वाई तो बोल रहा निकाल हूँ लिया। निकलेगा भी सीक्वेंस है। अच्छा अगर मान लो आपने कहा कि मैं पहले जेड निकाल दूं, वाई और एक्स बाद में निकालूंगा, है ना, तो अलग आ जाएगी वैल्यू। तो कोई नहीं, अलग कोई बात नहीं ना, अलग आएगी। तो अब जैसे जेड पहले निकालोगे तो जेड में अब अभी जैसे एक्स आ रहा है तो जेड एक्स की जगह किसकी वैल्यू आ जाएगी, पहले जेड की आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन में जेड को रखेंगे और दूसरी वैल्यू आ जाएगी, और थर्ड लाइन फिर दोनों को रख देंगे, तो होगा क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन गॉस सेटल का मीनिंग क्या है कि जो कोई भी दो वेरिएबल है, मतलब तीन वेरिएबल हो गए एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड में ये जो है अपने एक्चुअल आंसर के सबसे ज्यादा नियरेस्ट होगा, जो पहले फाइंड करोगे ये कम नियरेस्ट होगा और ये और कम नियरेस्ट होगा। तो गॉस सेटल ये बोल रहा है कि जो आप लेटेस्ट वैल्यू उससे आपका जो एक्चुअल आंसर है इसके वहां पॉसिबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाती है, ये बहुत ज्यादा नियर बाय चला जाता है और आपको और ज्यादा नियरेस्ट आंसर मिलता है। गॉस जॉर्डन में कम नियरेस्ट मिलता है और यहाँ पे और नियरेस्ट होता है। क्या डिफरेंस है, उसमें तीनों वेरिएबल एक साथ आगे बढ़ते हैं। गॉस सेटल में पहले एक बहुत आगे जाता है, उसके पीछे होता है, और थर्ड सबसे पीछे होता है, तो वो डिपेंड आप पे करता है, इसको लिखो वाई को लिखो या पहले जेड पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको आपने पहले लिख दिया वो बहुत ज्यादा आगे नियरेस्ट हो जाएगा, बाद में दूसरा और तीसरा। तो एक सीक्वेंस पैटर्न जो चलता है वो एक्स वाई जेड चलता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने पहले जेड निकाला फिर वाई निकाला फिर एक्स निकाला, या जेड एक्स वाई निकाला, तो वो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। एक पैटर्न ये चलता है, आप इस पैटर्न को फॉलो करो तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो आंसर तो आपका वो भी सही माना जाएगा। क्लियर है, तो मतलब सर अगर पैटर्न चेंज कर दे तो भी तो आंसर सही आएगा ना? आंसर सही होगा वो। अभी हाँ सर, दिक्कत तो नहीं होगी ना? वो बुक से नहीं मैच करे, नहीं मैच करे, नहीं मैच करे, लेकिन जो गॉस सेडल कहता है, गॉस सेडल ने ये बोला है कि जो पहले सॉल्व किया जाएगा वो अपने एक्चुअल आंसर के बहुत ज्यादा नियर बाय चला जाएगा, बाद वाला कम नियर बाय होगा और थर्ड वाला और कम नियर बाय होगा, जितना की जो ऑर्डर होता है उतना ही होगा बस। नहीं, बुक से मैच तोड़ना है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, वो तो आंसर जो भी करेगा आना वो, है करेंगे वो लास्ट की तरफ, करेगा करेंगे 100% करेंगे। ना। ओके सर, तब तो कोई दिक्कत एक्चुअल जो आंसर होगा उसके नियर बाय उतना ही पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं कि तीनों सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, सेटिस्फाइड तो करेंगे। ये गॉस सेटल मेथड हो गया, इसको नोट कर लो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब सेकंड और थर्ड ये आपको खुद को निकालने, ध्यान रखना, निकाल लोगे तो ये फाइंड कर लोगे या नहीं कर लोगे सब जन, सॉल्व करने के नाम पे आवाज नहीं आती। कन्या के सबसे पहले आंसर आया खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी, ठीक है। अब आप क्या करना, इसको पहले तो नोट कर लो, सबसे पहले नोट कर लो इसको, नोट करने के बाद सेकंड और थर्ड अप्रोक्सीमेशन आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपको खुद को करना है। तो पहले इसको नोट करके मेरे को अपडेट करो ताकि अपन आगे की बात करें, अपन आगे की बात तभी करें। तो आगे अपन देखते हैं कि अपने को क्या पढ़ना है और कितनी चीज क्या ड्यू रह गई है, कितना बाकी है, कितना समझ है, वॉट एवर जो देख, पहले इसको नोट करो बेटा।
कैनॉट लेगा नोट आप लोगों ने आगे बढ़े हमारा गॉस सैडल मेथड है जो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं गॉस सैडल और ये गॉस सैडल मेथड बहुत कुछ हमने कर लिया। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने निकाल लिया, सेकंड आपको निकालना है और थर्ड भी आपको निकालना है और उसके बाद गॉस सैडल ओवर हो जाए। एक मेथड है हमारे पास ऑर्डर्स मेथड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मेथड है। एग्जाम में दो बार तो पूछा जा चुका है ऑनर्स मेथड और हो सकता है और आगे भी पूछ लिया जाए। ऑनर्स मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझेंगे। ऑनर्स मेथड जो होता है, जो ये इनकम्प्लीट इक्वेशन होती है इसको कंप्लीट फॉर्मेट में इनकम्प्लीट इक्वेशंस को कंप्लीट कर देता है जिससे कि उसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाए। कैसे उसको बनाना है वो समझो, देखो ध्यान से। तो हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट मेथड है, उस मेथड का नाम है ऑर्नर्स मेथड। ऑर्नर्स मेथड क्या करता है उसको समझो। और मैंने आपको कल भी बोला था और मैं आज वापस बोल रहा हूँ कि आप सब क्या करेंगे, जो आर्यन कॉलेज की वेबसाइट है उस पे डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाके MSCIT सेलेक्ट करेंगे और लास्ट 5 ईयर के इस सब्जेक्ट के पेपर को डाउनलोड करेंगे और उसे सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे अपनी कॉपी। सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अपनी कॉपी में, मंडे ट्यूसडे तक आप सॉल्व कर लो उसको। ज्यादा बड़े ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, रोज 2 घंटे भी दोगे तो हो जाएगा। ट्यूसडे तक उसको सॉल्व कर लो। वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन मैं डाउट सेशन रखूंगा, अगर आप कुछ पूछते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछते तो आप। मैंने आपको भी बोल दिया करीबन 4-5 दिन पहले, एक लगभग 1 वीक ही हो गया पूरा, आराम से आपको पूरा पेपर करना है, एक एक क्वेश्चन समझना है, देखना है आपसे होगा या नहीं होगा। कुछ भी डाउट आता है, नहीं होता है तो आपको मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। अदरवाइज मैं मेरी साइड से समझूंगा कि सब्जेक्ट ओवर हो चुका है अगर आप नहीं पूछोगे तो। वो 2 दिन प्रॉब्लम सेशन के रखे हैं मैंने, 2 दिन प्रॉब्लम सेशन के रखे हैं, आप भर भर के प्रॉब्लम पूछो। जरूरी नहीं है पेपर से रिलेटेड कुछ और भी पूछना चाहते हो इसी में सब्जेक्ट में कब, तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक। अब ऑनर्स मेथड को समझेंगे तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट वाला, फिर हम एक बड़ा एग्जांपल भी लेते हैं x²-x-6। ये एक इक्वेशन की बात है, तो दो तरीके होते हैं कि या तो इक्वेशन का फैक्टर आपको गिवन हो, इक्वेशन का कोई भी एक फैक्टर आपको गिवन हो जो उसको सेटिस्फाइड हो, और अगर फैक्टर गिवन नहीं है तो फिर आप पहले उसको सॉल्व करके उसका एक फैक्टर निकालो जो उसको सेटिस्फाइड करे, देन आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका एक फैक्टर निकालते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरली आपको गिवन होता है बड़े इक्वेशन। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -3x + 2x - 6। एक्स कॉमन लिया x-3, 2 कॉमन लिया x-3, x-3, x+2, 2 फैक्टर हो गए। तो क्या बन गया, एक बार x-3 को 0 के इक्विवेलेंट रखा और एक बार x+2 को 0 के इक्विवेलेंट रखा, तो एक बार x की वैल्यू 3 आई और एक बार -2 आई, तो अपन 3 के साथ काम कर लिया, ठीक है। किसी के भी साथ काम कर सकते हो अपन 3 के साथ। ऑर्डर्स मेथड के लिए पहले इस तरीके का एक डायग्राम बना दीजिए, ये देखिए इस तरीके से बना दिया। अब ये जो इक्वेशन लिखी है x²-x-6, तो इसके सारे कोएफिशिएंट आप इधर लिख दीजिए। जैसे x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, x का कोएफिशिएंट क्या है -1,
और लास्ट में कॉन्स्टेंट क्या है माइनस सिक्स। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? भाई यहाँ तक सभी को बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। कोई डाउट? तो अपन ने क्या करा है, सबसे पहले इसकी वैल्यूज रखना स्टार्ट कर। तो वैल्यूज दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है कि लेवल पे अपन वन रखे, एक तो होता है कि अपन इनिशियल लेवल पे वन रखे और वन रख के सॉल्व कर। और अगर कोई उसका फैक्टर, ठीक है, और अगर उसका कोई फैक्टर, फैक्टर से बात करें, अगर मान लो कोई फैक्टर दिया हुआ है तो सॉल्व करेंगे, और अगर कोई भी फैक्टर नहीं गिवन है तो अपन वहां पे वन से शुरुआत करें। तो अभी जैसे एफ एक्स में कोई फैक्टर गिवन नहीं था, ये तो फैक्टर अपन ने निकाला है, तो निकालोगे तो अच्छी बात है। मान लो नहीं निकाला, इक्वेशन ही बहुत बड़ी होती, मान लो यहाँ पे x की पावर 97 होता, माइनस का x की पावर 200, वो सॉरी, एंड देन माइनस 6 की इक्वेशन, आप कैसे करते हैं, वो फैक्टर नहीं निकाल सकते। तो आप फैक्टर नहीं फाइंड कर सकते, उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको हमेशा इधर वन रख देना है, ये एक बार के लिए वन वन आ जाएगा दोनों साइड, दोनों साइड में वन वन आ जाएगा। होगा क्या, वन वन जा वन, वन वन जा वन यहाँ पर रखेंगे, और इसी को आगे हम लोग प्रोसीड करते चले जाएंगे। तो कैसे करेंगे वो अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे हम थ्री वन के लिए कर रहे हैं वैसे थ्री के लिए कॉन्सेप्ट करेंगे, वैसे ही अगर कोई फैक्टर गिवन है तो उसके लिए, अदरवाइज वन के लिए तो बाय डिफॉल्ट। अब वन प्लस वन को प्लस करके यहाँ पे लिख दिया अपन ने टू, तो क्या होगा, टू वन जा टू, और माइनस वन को ऐड किया तो वन, फिर वन वन जा वन, माइनस वन और माइनस सिक्स और वन को ऐड किया तो माइनस का फाइव। अब इस लास्ट वाले पे लगा दो, ऐसा बोले कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस आ जाएगा वही वन जो ऊपर था, वो एज इट इज चलेगा, ठीक है, फिर वही वन वन जा वन, टू और वन थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री और वन फोर, एक और कम हो गया, फिर वही वन, थ्री और वन फोर, एक और कम, लास्ट में लिखा ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, इस तरीके से चलता चला जाए। जो इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनती है, ए जीरो एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स आगे। अब जो सबसे लास्ट होता है राइट हैंड साइड में, जो सबसे लास्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, फिर एक्स की वैल्यू सबसे कम छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी और बड़ी, कितनी बड़ी जाएगी, जितनी यहाँ पे इक्वेशन में, अभी इक्वेशन में टू है तो एक्स की वैल्यू भी स्टार्ट टू से, एक्स स्क्वायर देन एक्स देन वैल्यू पुट कर देंगे, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस का फाइव, ये आपका आंसर। मतलब ऑनर्स मेथड से, ऑनर्स मेथड से अगर मैं सॉल्व करूं तो उस इक्वेशन का रिजल्ट ही आता है, ऑनर्स मेथड से अगर मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो जो रिजल्ट है वो ये आता है। कब रिजल्ट ये आता है, जबकि मैं उसका फैक्टर नहीं रख रहा हूं। अगर मैं उसका फैक्टर रखूंगा तो रिजल्ट चेंज होता है, थ्री रखूंगा तो ऑब्वियसली बात है थ्री के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तब आपका सवाल ये होगा कि कब तुम फैक्टर रखेंगे और कब हम वन रखेंगे। तो जब बहुत बड़ी इक्वेशंस आ जाती हैं जिनके फैक्टर्स नहीं गिवन होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया एक्स की पावर 90 वगैरह, उस केस में आप वन से स्टार्टिंग कर दीजिए। जब इक्वेशंस छोटी आती हैं तो फैक्टर निकालो, क्या दिक्कत, तो निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको नोट कर लो तो फिर हम आगे बढ़े और इसी को थोड़ा सा समझ, नोट कर लो इसको।
अभी इसी को मैं और एलिबरेट करूंगा और समझाऊंगा। हाँ इसमें बस इक्वेशन ही निकालनी है, जिसमें और कुछ नहीं करना, तो और एलिबरेट करूंगा और समझाऊंगा ऑन द स्पॉट को, कल की क्लास में और समझेंगे भी अपन, ये वैल्यूज भी चेंज होगी तो कैसे होगी सारी चीजें। यस लव कुमार वैष्णव सर, रिलेशन क्या है दोनों इक्वेशन का, जो पहले इक्वेशन थी जो अपन ने निकाले दोनों के बीच? देखो रिलेशन ये है कि अभी ये वाली इक्वेशन तो पूरी सही थी, x स्क्वायर के बाद x आ गया, 6 आ गया। मान लो ये इक्वेशन ऐसी होती x की पावर 4 माइनस x माइनस 6, तो x की पावर 4 के बाद x की पावर 3 x की पावर 2 ये दोनों टर्म्स भी सही थी। यस सर, ऑनलाइन मेथड से अपन इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सारी सीक्वेंस्ड वाली टर्म आ जाएगी, x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1 देन कांस्टेंट, तो जो मिसिंग उनको भी फाइंड करने के लिए हम लोग ऑनर्स मेथड का यूज करते हैं। तो सर इसमें तो कोई मिसिंग वाला लो ना सर इक्वेशन, अभी वही वही अपन आगे जो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे वो मिसिंग के लेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे, तो इसलिए वहां पे जाके मैं डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट समझाऊं कि भाई फैक्टर वाला और ये वाला तो आप कंफ्यूज हो गए सर, बड़ी इक्वेशन में फैक्टर कैसे निकलेंगे, इसलिए पहले अपन यहाँ से स्टार्ट किया। अभी आगे अपन मिसिंग वाला ही लेंगे ना आगे, देखो ये मिसिंग वाला पूरा इतना बड़ा लिया हुआ है ना x की पावर 7 से, तो अपन इसको मिसिंग वाले को ही लेंगे। क्लियर है? ओके, इसमें आंसर फाइनल आंसर ये इक्वेशन ही आएगी? फाइनल आंसर तो इक्वेशन है, फाइनल आंसर इसमें इक्वेशन ही आएगी, और दो बार तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जिस तरीके से पूरी फाइनल इक्वेशन निकलती है देखो लास्ट में वो इक्वेशन ही आपका आंसर होता है, तो दो बार तो एग्जाम में पूछा गया है, थर्ड टाइम भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए कल अपन इन क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसमें एक पैटर्न और होता है उसको मैं समझाऊंगा कल, कि जो ए जीरो है इसकी वैल्यू कैसे हम लोग एग्जैक्ट फाइंड करेंगे और क्या चीज़ है, तो वह आगे की बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। कोई डाउट? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं गाइस।